हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता बायोलॉजी। आज टॉपिक सिलेक्शन क्वेश्चन, जोटा कि सब पिलामानंकर एबे इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीएचएससी बोर्ड एग्जाम रे कौन क्वेश्चन आसीबो। सिलेक्शन क्वेश्चन मु ओनली टॉपिक वाइज दोची, तार रीजन होची तुमानंकर क्वेश्चन रो को टाइप रो लिखिबो ताकु भी डिस्क्राइब करके छिबे। तो फर्स्ट चैप्टर आसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रो, ये टॉपिक रे को टाइप रो क्वेश्चन पड़िबो, कौन आमको लिखिबा को छि ता ऊपर भी डिस्कशन करबा। तो आगे स्टार्ट कर देबा कि कौन कौन सिलेक्शन क्वेश्चन अछि 2024 पई, जे कि 100% पड़िबार भी चांसेस अछि, हमें ता ऊपर डिस्कशन करछंती। यदि इतिके क्वेश्चन को तमे पढ़ के जीवो, नो डाउट जो 5 मार्क्स ए चैप्टर जो वेटेज अछि 5 मार्क्स तमे कंप्लीटली ताको करकी आसीबो। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर फर्स्ट हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 2024 देखिबा, जदि कौन कौन लॉन्ग क्वेश्चन आसीबा हमें डिस्कशन करिबा। नो डाउट 2019 रे 2022 रे ऑलरेडी एक क्वेश्चन पढ़ी, जोड़ा कि फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। देन सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इन एंजियोस्पर्म। और ए क्वेश्चन को अदर वे भी पचारि पारे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो जदि हमें क्वेश्चन दुईटा को देखिवा, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो नो डाउट जदि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट पड़ी आम पाखे क्वेश्चन, तो सिंपली हमको इंट्रोडक्शन लिखिबार अछि। देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमेटोजेनेसिस लिखिबार अछि, तो जोटी आमर फीमेल गेमेट फॉर्मेशन ही गला, देन आम से स्टॉप कर देबार अछि। इन एंजियोस्पर्म रे दीथिबो केबे भी को जिम्नोस्पर्म रे कि आउ कोथरे पचारिनी, एति मन रखिथिबो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। बट यदि ए क्वेश्चन रे कोआ जे कि को डायग्राम करिबो, सेटा भी गोटे कन्फ्यूजन रो टॉपिक थाय। जदि आमे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट देखिबा, हमर पर्टिकुलर डायग्राम करबा को हबो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जोथरे कि स्पोर फॉर्मेशन पर्यंत आर्किस परियल इनिशियल रो, ठीक सेमिति गेमेटोफाइट गेमेटोजेनेसिस रे पर्टिकुलर हमको डायग्राम करया पय पड़िबो कोटी पर्यंत एम्ब्रियो सैक पर्यंत। ओके, क्लियर हो जाइबो मु बाबू छी कि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जदि क्वेश्चन पड़े आम पाखे सेम क्वेश्चन आम पढ़ी कौन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन देखा, जदि सेम दिन जिनस आमको इंट्रोडक्शन लिखबार अच्छी, देन आमको पोलिनेशन टू आरंभ करके फर्टिलाइजेशन पर्यंत लिखबार अच्छी। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आम पाखे चारिटा पॉइंट्स कंपलसरी रहा दरकार प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो से चारिटा पॉइंट्स रे वन रे जदि आमे देखिबा, दैट इज साइफोनोगेमी। तो फर्स्ट पॉइंट कौन कहली, साइफोनोगेमी। देन सेकेंड पॉइंट आम पाखरे कंपलसरी सिनगेमी। देन थर्ड पॉइंट कंपलसरी आम पाखरे कौन ना, ट्रिपल फ्यूजन। देन फोर्थ पॉइंट व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। तो स्टार्टिंग रा प्रोसेस तो जेमती हमरा सैंपल पेपर है, जोटी भी तुम्हें देख ताको प्रोसेस देखिबो, बट ये जो चारिटा पॉइंट्स अच्छे आमको इटि छाड़बार नहीं। देन आमको जदि कुआ जाए डायग्राम कौन करवा, ये जो प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन रे सिंपल आमको पूरा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी रो गोटे डायग्राम करवा को हबो, ता भितरे एम्ब्रियो सैक रे भी प्रॉपर डायग्राम करिया को हबो, ओव्यूल रे भी डायग्राम करिया को हबो। देन आमको आउ गोटे एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन परे जो चेंजेस होची सेटा को देखेबा को पड़िबो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा कि जदि आम पाखरे क्वेश्चन पड़े एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, देन आमे ए क्वेश्चन रे कोन लिखिबा। तो ए प्रोसेस रे भी सेम दिनसो हमको डबल फर्टिलाइजेशन रो होल मेकानिज्म लिखिबार अछि। तो कहा परे गोटे मेल गेमेट्स फ्यूज होउछि, देन पोरोगेमी, देन मेजोगेमी, देन चालाजोगेमी लिखिबा सहित व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन ताकु भी लिखिबार अछि कि तीनटा मेल गेमेट्स पार्टिसिपेट करूछि,
सेंटर रे केतटा मेल गेमेट्स अछि ता ऊपर भी लिखिबार अछि। आ पर्टिकुलर तुम देखि पर्थबो कि जदि एंजियोस्पर्म न पड़ी छि भी हमको एंजियोस्पर्म विषय लिखिबार अछि, जदि एंजियोस्पर्म पड़ी छि भी क्वेश्चन हमको एंजियोस्पर्म विषय लिखिबार अछि। तो नेक्स्ट हमें जीव कि कोन कोन शॉर्ट नोट्स पड़ी छि, शॉर्ट नोट्स ए टॉपिक रे इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हम पाखरे कोन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा जदि अपोमिक्सिस बहुत ही इंपोर्टेंट अपोमिक्सिस ए इयर रे बोद वे क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीटली प्रेजेंट थिबो अपोमिक्सिस। देन सेकंड क्वेश्चन देखिबा जदि एम्ब्रियो सैक, जदि एम्ब्रियो सैक हम पाखरे क्वेश्चन पडुची तले ऑलरेडी आमे लिखि सर्चंती आमे कोटी ना डबल फर्टिलाइजेशन सहित ता सहित हमर डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट जो एम्ब्रियो सैक ताको भी तुम लिखि पारिबो। देन नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स पोलेन ग्रेन ऊपर जदि पडुची हमको पोलेन ग्रेन गोटे मेल गैमेटोफाइट, देन यार दुटा वाल अछि, देन केतरा जंपोर अछि से कोटार कंपोज्ड हिची, देन हमर मोनोकॉट पाखरे केतरा जंपोर, देन डाइकॉट पाखरे केतरा जंपोर, देन एंटेमोफिलस फ्लावर पाखरे को टाइप रे पडथाय ता ऊपर भी देथाय। देन आउ गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन तुमको दे दउ छि कि ईच एंड एवरी शॉर्ट नोट्स को मो आउ तरे एवे लिखि कि तुम मानको वीडियो अपलोड करि चलेबी। ईच एवरी डे 11 पीएम रे मु सब बार पई ट्राई करबी गोटे गोटे शॉर्ट नोट्स लिखि कि देबा पई एग्जाम पर्यंत तुम रिकॉल करिया पई आउ तरे तरे सब शॉर्ट नोट्स को हे परे ई पर डे दुईटा भी दे पारे नले गोटे लेखाए कंपलसरी मु देबी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीबा कि मैं पॉलीएम्ब्रियोनी देन टापेटम जदि पडुची कंफ्यूज हेबार नाही इनरमोस्ट लेयर, देन इट इज ऑफ टू टाइप्स अमोइबॉइड टापेटम सिक्रेटरी टापेटम। अमोइबॉइड टापेटम रो फंक्शन कोन, सिक्रेटरी टापेटम रो फंक्शन कोन, बस एतिके कंप्लीट। देन हम पाकर जदि डाइकोगेमी पडुची तले ये क्वेश्चन को लेखार अछि पोटान ड्रिप जेमती टाइप रो लेखार अछि। देन जदि क्वेश्चन पडला कंट्रीवेंसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और एटा को क्वेश्चन अदर वेरी भी पचारे पारे आउट ब्रीडिंग डिवाइस, एटा बहुत पिलांकर कंफ्यूज हुए कि तो एटा को टाइप रो लिखिबा जदि आउट ब्रीडिंग डिवाइस पोर्चम को कर लिखिबार छि। तो पांचटा जका आउट ब्रीडिंग डिवाइस लिखिबार नहीं, तो जे कोनसी तीनटा आउट ब्रीडिंग डिवाइस रो एग्जांपल तमे देई पारिबो। तो नेक्स्ट जिबा कि अलोगेमी कोन लिखिबार छि, तमाने हमको क्रॉस पॉलिनेशन ऊपर को फोकस करिवार छि। देन आमे जिबा डिफरेंस ऊपर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थेनोकार्पी पार्थेनोजेनेसिस, देन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस, देन सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, देन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, देन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो ये क्वेश्चन जदि देखिबा आमे केतटा क्वेश्चन अच्छे टोटल उपरे 5टा अच्छी, तो क्वेश्चन नंबर तुमको अधिक दे पारे बट गोटे जिन मन रखिबो क्वेश्चन पैटर्न चेंज है। जदि तुमको के 3टा 4टा क्वेश्चन दे देके कहि देथवा कि इरको कंपलसरी पड़िबो सेटा को फोकस करो नहीं, जेतु एई इयर रे क्वेश्चन पैटर्न बहुत सारा चेंज है। तो हमको शॉर्ट नोट्स बहुत सारा इंपोर्टेंस अछि कि जति कि वेटेज अछि हमर लॉन्ग क्वेश्चन उपरे सेति कि वेटेज अछि हमर शॉर्ट नोट्स उपरे, तो स्ट्रांगली हमको शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करके जीवा पई पड़िबो तो फुल मार्क पाइबा पई। ओके आशा करू छी कि समस्त को भलो लागितबो, जदि भलो लागितै समस्त को तले चैनल को सब्सक्राइब कर दबो नेक्स्ट ए टाइप रो वीडियो देखिया पई। थैंक यू ऑल।